शादी में दूल्हा दुल्हन की अदला बदली होती थी। समय बदलने के साथ लोग समझदार हो गए हैं। कहा जाता है कि ऐसी घटनाएं लगभग नहीं होती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की शादी की घटना हर समय नहीं होती है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में ऐसी ही एक घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक शादी में धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बाहर घूमने के बाद वर पक्ष के व्यक्ति ने शिकायत की है कि लड़की पक्ष के व्यक्ति ने अपनी छोटी बहन को बड़ी बहन से शादी करने का झांसा दिया है। दूल्हा वेदी पर बैठा था और दुल्हन भी। पूरे विवाह के दौरान वेदी पर दुल्हन के सिर पर घूंघट रखा जाता था। फिर शादी के बाद लड़की चली गई। जब दूल्हा दुल्हन घर पहुंचे तो दूल्हे के घर में आमने सामने की रस्म का आयोजन किया गया। उस वक्त जब लड़की के कपड़े उतारे गए तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि कंबल के नीचे उन्होंने जिसे देखा और बहू होने का उत्तर दिया, वो कंबल के नीचे नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन थी। गुस्से में आकर दूल्हे ने तुरंत लड़की को उसके पिता के घर भेज दिया। अब इंसाफ नहीं हुआ तो दूल्हे ने सुसाइड करने की धमकी दी है। यह मामला जिले के हजरत नगर थाना क्षेत्र के कटौली गांव का है।